बिफोर ऑक्शन, और आज अब फ्राइडे, आज फ्राइडे को लाइव हो रहा है। जैसे कि मैं कल रात लाइव आके भी आप लोगों को बताया था, तो वैसे आज यहाँ पे उपस्थित हैं हम लोग, और फिर से गाड़ियों का ऑक्शन होने वाला है। मोस्ट ऑफ द कार्स जो होंगी वो प्रीवियस ऑक्शन वाली ही होंगी, कुछ एक दो हो सकता है चेंज हो। सो आप अगर जो अभी तक नहीं आ पाए हैं वो आ सकते हैं, 2 बजे ऑक्शन शुरू होगा। सो मोस्ट वेलकम है, आइए आप विजिट कीजिए और गाड़ियाँ ले सकते हैं। जो पिछले ऑक्शन में नहीं ले पाए थे वो आज आइए, जुड़िए जल्दी से जल्दी, फिर बातें करते हैं, कुछ सवाल हो तो वो लेते हैं। भाई वशीम मलिक कह रहे हैं हेलो भाई कैसे हो। मैं बहुत बढ़िया वशीम भाई, आप बताइए कैसे हैं। टेक्नो आर्ट भाई जी को राम राम। कमल किशोर जय हो, कमल किशोर कैसे हो, राम राम भाई। पृथ्वीराज कह रहे हैं राम राम, अभिनंदन आभार बहुत बहुत पृथ्वीराज जी। लाइक कर लें भाई, वीडियो को लाइक कर लें जरूर, लाइक करते रहें और अपने सवाल पूछते रहें। आवाज़ ठीक है मेरी, आवाज़ सही आ रही है तो वो भी एक बार कंफर्म कर दें आप लोग, अगर वॉइस क्लियर है तो। कॉन्टैक्ट नंबर है भैया 8368411350। भाई ऑक्शन होने वाला है क्या? हाँ आज ऑक्शन होने वाला है, 2 बजे है। रात में लाइव आया था, आप नहीं थे क्या रात लाइव में? रात में आया था लाइव तो बताया था मैंने आप लोगों को, और कि आज फ्राइडे में ऑक्शन होने वाला है। तो आप आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सो कुछ सवाल ले लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं आप। दो बजे होगा ऑक्शन शुरू। तो आइए जुड़िए, विजिट कीजिए और लाइक कर लें प्लीज़ यार, वीडियो को लाइक करो भाई। लाइक नहीं कर रहे हो, एक नहीं लाइक किया है, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। आचार्य ऋषि जी हेलो सर, अवरी मैं एकदम बढ़िया सर, आप बताइए कैसे हैं। भाई मैं पुलिस में हूँ, इतने टाइम नहीं मिल, हाँ ये बात तो सही है वसीम आपका, इतना टाइम तो नहीं मिल पाता है, आप लोग तो वैसे भी बहुत बिजी रहते हैं भाई। सो चलिए कोई बात नहीं भाई, जितना भी आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खैर आपने समय तो निकाला हमारे लिए। प्रदीप जी कह रहे हैं दीपक जी राम राम राम। प्रदीप जी कैसे हैं आप, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। तो अभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो अभी वो ले रहे हैं गाड़ी की डिलीवरी ले रहे हैं। सर हाय बोलिए जरा एक बार सबको। सो कौन सी गाड़ी ली है आपने? XUV ली है इन्होंने, तो उसकी डिलीवरी ले रहे हैं अभी। और इनको दिल्ली नंबर है लेकिन इनको UP में ट्रांसफ़र करवानी है, तो वो भी यहीं से करवा रहे हैं। अगर कुछ ऐसा सीन रहता है भाई, आपको भी लेनी है कोई गाड़ी दिल्ली नंबर और बाहर दिल्ली से अदर स्टेट में ट्रांसफ़र करवानी है, तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं आके। तो अब इनका पूरा प्रोसेस होना है, फिर उसके बाद जानेंगे क्या प्रोसेस रहा, कैसे चीज़ें हुई, क्या एक्सपीरियंस रहा इनका, तो वो सब चीज़ें आपको ज़रूर बताएंगे। एक कहते हैं ना फीडबैक जो होता है वो बिल्कुल दिया हम लोग तैयार करेंगे, अच्छा है बुरा है जैसा भी एक्सपीरियंस रहा वो सब शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ विद फैक्ट्स। XUV कौन से वाले लिए आपने? 500 वाले लिए, सिल्वर या ब्लैक? सिल्वर वाले लिए भैया, दो ही थी ना मेरे ख्याल से, एक ब्लैक थी, हाँ एक सिल्वर वाले लिए भैया। 2000 कौन सा मॉडल है? 14 है ना, हाँ 14 है। विशाल त्यागी हाय विशाल कैसे हो आप, हम करवा देंगे ट्रांस, बिल्कुल आप करवाओगे, आप आते नहीं, मैं तो बोला था आप कर लो यार, आप बात ही नहीं करते हो आप लोग, बात करो ऊपर आओ लाइव में एक दिन,
फिर पूरा डिटेल बताओ बाकायदा, फिर पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो काम शुरू हो जाएगा। बात करो आप, मैं तो रात को भी आता हूँ लाइव। लो स्टैंड लो इसके ऊपर विशाल आप बात करो भाई, अगर ऐसा कर सकते हैं तो फिर पूरा डिटेल बताओ सामने, क्योंकि पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। एक लाइव करते हैं आप लोगों के साथ बैठ के, ठीक है? अरेंज करवा लो एक लाइव का सेशन। वसीम मलिक जी कह रहे हैं कितने की ली है भाई? अब ये तो भाई वो चले गए बाहर, अब कैसे बताएंगे? वैसे कोई डिस्क्लोज नहीं करता यार, आपको पता ही है वसीम भाई, पर्सनली आप पूछ लेना भाई। वीडियो नहीं आई आपकी, वीडियो कौन सी नहीं आई है भाई? और वसीम अगर यार प्राइस डिस्क्लोज कर देंगे, उनको आगे बेचनी है यार, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना मामला, उनका बिजनेस ख़राब हो जाएगा यार, ऐसे मत करो। आचार्य कह रहे हैं सर मैं उत्तराखंड से हूँ, ट्रांसफ़र एनओसी का चार्ज क्या रहता है? हाँ वही 3-4 हज़ार रुपये के करीब होता है भैया, और अगर HP है तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, नहीं है तो फिर वो कम होता है। HP होता है हाइपोथेटिकेशन होता है, जिस गाड़ियों पे लोन रहता है उनकी RC पे HP चढ़ी होती है, ऊपर वीडियो करके लिखा होता है, तो वो हटवाना पड़ता है। अगर वो हटा हुआ है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर वो 3-4.5-4 हज़ार रुपये में NOC मिल जाती है आप लोगों को। कितने की? अच्छा सेकेंड वाला परसों आएगा भैया, आज कारब का आ रहा है, तो कार अब की वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। बहुत प्यारी प्यारी गाड़ियाँ, बहुत शानदार गाड़ियाँ हैं भाई साहब कार अब पे, और प्राइस आपको पता ही है उनके, फेमस रहते हैं प्राइस तो, ठीक है? सो उनका वीडियो डाला है, उसको थोड़ा सा हमने एक पोस्टपोन कर दिया है वन डे, तो सेकंड पार्ट परसों आएगा। पर कल आज जो है नहीं, सेकंड पार्ट कल आएगा यार, आज तो है ही, आज तो वो आना ही है कार देव का, सही है, मैं अभी तक रात में ही हूँ। विशाल ये XUV वालों से बात करो ट्रांसफ़र के लिए, इनकी बात अभी यहीं श्रीराम में चल रही है विशाल। सो अगर यहाँ से क्लियर हो जाती ठीक है, नहीं तो फिर तुम हो ही, दिक्कत कोई है ही नहीं। थैंक यू सो मच, अरे थैंक यू भाई, थैंक यू, क्या बात है भाई, आपकी सेवा में तत्पर 24 आवर ही है हमारा, तो यार 2-3 घंटे का भी सोना मिलता है, सुबह 6 बजे सोया था, 9 बजे उठ गया फिर यहाँ आने के लिए, गला भी बैठ गया मेरा तो। UP नंबर की कार की वीडियो का वेट है भाई, ओके। यूपी नंबर की तो एक दो ही कार थी यार, स्विफ्ट वगैरह थी बस, तो वो तो वैसे आगे देख लो, कहाँ पे हो, कहाँ से हो यूपी में आप माई? भाई वीडियो लाइक करते रहो यार, लाइक नहीं करते आप लोग यार, इवेंट देखना है लाइव कौन से चैनल पे आ रही है, गोका स्टूडियो पे आ रही है, गोका स्टूडियो शॉर्ट पे आ रही है ये वाली लाइव जो मैं कर रहा हूँ अभी, गोकाश्वरी पे आ रही है ना, ठीक है। यूपी नंबर की कार जो, अच्छा ठीक है, ओके। क्या सवाल है आगे? आपका नंबर नहीं, आपसे बात करनी हो तो, नंबर तो सिंपल है मेरा 8368411350, फिर से बोल देता हूँ भैया, लिख लो 8368411350। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ यार, मेरा नंबर दिया गया है वहाँ, हमारा पूरा डिटेल दिया गया है, गोका सोरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, उसके सारे लिंक दिए गए हैं यूट्यूब के, और इंस्टाग्राम पे भाई 1001 सब्सक्राइबर वो फॉलोअर हो गए हमारे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और बढ़ाएँ उसको आगे लेके जाएँ, जिसने नहीं किया है फॉलो उसको फॉलो करें, इंस्टाग्राम पे जाके गोका सोरी के नाम से ही है, आगरा उत्तर प्रदेश। देखो मैंने 1000 होने से पहले कुछ नहीं बोला, किसी को नहीं बोला कभी कि भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, शुरू की वीडियो में बोल दिया वो बात अलग है, लेकिन आप हो गए तो भैया आप तुम्हारा वो बनता है कि फटाफट उसको पहुँचा दो ऊँचाइयों तक, ठीक है? रील्स वगैरह डालते रहते हैं हम लोग उसमें, और अगर कहोगे तो फिर बाकी अपडेट्स भी उस पर देना शुरू करूँगा, मुझे बताना भी सिखाना भी कि कैसे करते हैं क्या करते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है उन चीज़ों का। फ़ोन ही कर लेना नंबर आपको 3684111350। भाई लाइक पहले किया, भाई का चैनल ग्रो, अच्छा 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 अरे वाह बहुत बढ़िया। प्रदीप जी कह रहे हैं दीपक जी मेरी गाड़ी की NOC और डॉक्यूमेंट कब भेजेंगे? HR 26 5996 का बोलो कंपनी वालों से, आपके सब्सक्राइबर कंप्लेन कर रहे हैं। कब ली थी प्रदीप जी आपने? यार एक सनी एक नंबर नोट करना गाड़ी का, HR 26 AV 5996 कब आएगी? अच्छा ठीक है, प्रदीप जी
ठीक है प्रदीप जी, एनओसी कट गई है गाड़ी की और एमएलओ वगैरह से साइन होना है बस उस पर, ठीक है। और पीडीएफ कहोगे तो पीडीएफ आपको भेज देंगे, बाकी आप इनको कॉल कर लो। आपका नंबर दूँ इनको जतिन, आपका नंबर दूँ इनको? हाँ है बस, तो आपको कॉल कर लेंगे प्रदीप जी। एनओसी कट गई है, बधाई हो, क्या बात है। देखो आज क्या काम करा दिया आपका, और क्या चाहिए। नहीं नहीं अच्छी बात है यार, ऐसा कुछ होता है तो बता दीजिए करो, कोई दिक्कत नहीं है, रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे भाई। देखो जितना अपने हाथ में उतना तो हम कर ही सकते हैं, और बहुत अच्छी टीम है, सीरियसली काम बहुत सीरियसली करती है। ऐसा नहीं कि कोई दिक्कत ही आ जाए ऊपर से, कोई सरकारी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो बात अलग है, ये भी कुछ नहीं कर सकते बेचारे उसमें। पर अपने काम को बड़े डेडिकेशन के साथ करते हैं लोग, ये मैंने देखा है भाई, और आज से नहीं कई सालों से देखता आ रहा हूँ। ओके हाँ ठीक है यार, लाइक करो ना, चैनल को लाइक नहीं कर रहे यार आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो भाई। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने भाई, वो लाल सा बटन है साइड में उसको दबा दो यार, ग्रे कर दो उसको। सभी पैसा दे रहे हैं तो एनओसी में टाइम कितना लगेगा? सभी पैसा दे देते हैं तो एनओसी में टाइम कितना लगेगा? 1 से 2 महीना लगता है भैया टाइम, ये मैक्सिमम टाइम है इनका, मिनिमम 15 दिन होते हैं पर मैक्सिमम का कोई टाइम नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर होता है। फॉर्म भर दिए जाते हैं, भेज दिया जाता है, गवर्नमेंट कब तक इशू करती है उस पर डिपेंड करता है सर। किन्हीं की बहुत जल्दी आ जाती है, 15 दिन में भी आ जाती है, किसी की 1 महीने में आ जाती है, किसी की 2-2 महीने तक नहीं आती, ऐसे होता है। यही है ना एनओसी का, तो यही सीन रहता है। और फिर लोग को समझते नहीं है लोग, फिर झगड़ लेते हैं, झगड़ते हैं आगे को, भैया हमारी एनओसी आई, 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, भैया इनके हाथ में थोड़ी होती है, ये तो फॉर्म सबमिट कर देते हैं, वो वहाँ आरटीओ में कितना दिन लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। हेलो सर, मनदीप गोपी जी, हेलो सर, हेलो सर, कैसे हैं आप? गोपोए हैं, गोपोए, ओके ठीक है। सेकंड सेप्टेम्बर को ली थी, हाँ ठीक है, एनओसी कट गया आपका। देखो अभी अभी कुमार जी, देखो इन्होंने प्रदीप जी ने सेकंड सेप्टेम्बर को ली थी तो करीब करीब ऑलमोस्ट महीना ही होने को आया है, और इनकी एनओसी कट गई है, बस साइन हो गए, इनको मिल जाएगी। आप बात फ़ोन कर लीजिएगा यहाँ पे प्रदीप जी, तो एनओसी के बारे में जो भी अपडेट देंगे वो ले लीजिएगा आप, ठीक है सर? तो ऐसा ही लगता है भैया, इतना ही टाइम लगता है, ठीक है। बाकी ज़्यादा अच्छा ये है कि आप यहीं पे सीधा, मतलब मैं यार एक बात करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि एक नंबर सर्कुलेट कराऊँ आप लोगों के लिए, कि उस नंबर पे बात करो, सीधा ट्रांसफ़र ही कराओ, आप एनओसी की ज़रूरत नहीं, आप एनओसी मत ही कटवाओ, सीधा ट्रांसफ़र कराओ, एनओसी और एनओसी का सब काम वो खुद देखेंगे, और आप लोग सीधा, मतलब आपको बस ट्रांसफ़र ही मिले, ठीक है ना। गाड़ी ली, उनको पैसे दिए, लो भाई ट्रांसफ़र कराओ, हमारी बात खत्म, जो भी टैक्स वैक्स लगता है उनकी सरदर्दी होनी चाहिए, ठीक है। और अभी जो ऊपर विशाल जी आए थे वो ये काम करते हैं, तो उनसे पूरी बात करके उनका एक पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा कैसे करना है। विशाल जी, लोग विशाल जी आ गए हैं, बोल भी रहे हैं, हम फास्ट काम करते हैं, 15 वर्किंग डेज में गारंटेड। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो वही मैं कह रहा था भाई विशाल भाई, कि आप थोड़ा सा अपना नंबर वंबर सर्कुलेट करो, कोई आप बैठो बात करो भैया, जब तक बात करोगे नहीं तब तक बात आगे बढ़ेंगी नहीं, ठीक है। सो एक लाइव में आओ हमारे साथ और पूरा डिटेल शेयर करो, तो फिर मैं आगे उसको फॉरवर्ड करता हूँ इन लोगों के साथ में, ठीक है ना। तो आप अपनी कंपनी में बात कर लो कि कैसे कैसे करनी है चीज़ें। एनओसी इशू हो गई है 20 सितंबर में उसकी, ठीक है। अच्छा हार्ड कॉपी नहीं आई है अभी, एनओसी इशू हो गई, वो ये बोले कि हार्ड कॉपी नहीं आई है, एमएलओ के साइन होने, तो वो साइन होके आ जाएगी, हार्ड कॉपी तो आपको दे दी जाएगी, ठीक है। दशहरे के बाद आएगी भाई, हाँ सही बात है, ठीक है। तो गाड़ी दिल्ली से दूसरी स्टेट में ले जाने में पुलिस प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं पुलिस प्रॉब्लम क्यों होगी, आपको डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं भैया, फोटोकॉपी दी जाती है, डिलीवरी रिसिप्ट होती है आपके पास, और उनको बताओ कि भैया अभी अभी लेके आए हैं और एनओसी कटनी दी है, ख़रीद के लाए हैं, डिलीवरी रिसिप्ट, पेमेंट रिसिप्ट सब कुछ होता है आपके पास। हाय वानिया, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। हेलो दीपक जी, होप यू आर डूइंग, मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? जस्ट वॉन्टेड टू चेक छोटी गाड़ियों में क्या क्या स्टॉक है आज।
आज तो कोई वेडनेसडे वाला ही है, ज़्यादा कुछ अपडेट हुआ नहीं है, सो उसी को री ऑक्शन कर रहे हैं। तो अगर आप कहें तो फिर आज क्या क्या है स्टॉक में, वैसे कुछ लिस्ट वगैरह है भाई अपने पास? हाँ मैं बाहर से लिस्ट लेके आता हूँ, रुको यार उसी से बताता हूँ, डिटेल वाइज बताता हूँ। सही बात है, मैं तो भूल ही गया यार, ऐसा भी होता, बताओ। अच्छा हुआ है आप लोगों ने याद दिला दिया लिस्ट के लिए, वो भी तो पढ़नी होती है आप लोगों के लिए। आज रजिस्ट्रेशन भी करा ही लेते हैं अपना, है ना? पैन कार्ड आधार कार्ड लाया नहीं हूँ मैं। और वनिया शाम को 7 बजे ना एक कार हब की वीडियो आने वाली है, तो वो जरूर देखिएगा, उसमें काफ़ी अच्छी और बढ़िया प्राइस में गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ भी हैं। पहले देना है कि एहसान तेरा होगा मुझको। थैंक यू सर, धन्यवाद। लो जी लिस्ट मिल गई है, और लिस्ट को अभी पढ़ते हैं क्या है, क्या कह रहे हो अभी की क्या लोकेशन है आपकी। मैं इधर हूँ रजौरी गार्डन में भैया, TDI मॉल दिल्ली आ जाओ। कहाँ पे हो आपकी, कहाँ पे है ड्यूटी? रजौरी गार्डन में ही है कहीं बाहर है? अगर आसपास है तो, अगर आ सकते हो तो दैट्स वेरी गुड, मिल लेते हैं, आ जाओ। शाम तक यहीं हूँ। ओके सो कैसे करें यार, चलो ऐसे ही पढ़ लेते हैं यार, कोई बात नहीं। आ जाइए सर इधर आ। अच्छा वो कर रहे हैं आप ट्रांसफ़र कुछ, रुको यार 1 सेकंड भाई। नहीं यार ऐसे नहीं सेट बैठ रहा, चलो कोई नहीं। उधर बैठ सकते हैं ना, उधर बैठ सकते हैं। रुक जाओ भाई, बैठ के बात करता हूँ, सेट कर लूँ थोड़ा सा मामला, फिर आपको लिस्ट बताता हूँ पूरी, ठीक है? अब ठीक है, ठीक है, सही है। अब लिस्ट पढ़ते हैं मिलके भाई सब। ओके अभी क्या लोकेशन है? हाय सूर्यनारायण, कैसे हैं आप? फिलिप डीएसएन, किस दिन आते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे? जी बिल्कुल, मेरा आज तो खैर एक रैंडम था, ऑक्शन रैंडम है, बाकी वेडनेसडे में होता है एवरी वेडनेसडे, तो आप आ जाइए हर वेडनेसडे में। सर SUV में आज क्या क्या कार है, SUV में क्या क्या है आज? सर नहीं अपने पास, चलो यार मैं लिस्ट पढ़ता हूँ, उसमें भी पता चल जाएगा आपको, पहली गाड़ी से लेके और जो भी गाड़ियाँ हैं आज सारी बता देते हैं। ओके अरे वाह, पहले ओडी आ गई, तो पहली गाड़ी पहले नंबर पे ओडी 2013, ठीक है, A4 है, 2.0 TDI है, ठीक है, डीजल में है और ओरिजिनल RC है, CL नंबर सेकंड है, ठीक है। दूसरे नंबर पे है 2010 Chevrolet Aveo है, 1.4 LS है, पेट्रोल CNG में है गाड़ी और ओनर फर्स्ट है, ठीक है। दूसरी तीसरी गाड़ी है 2018 डटसन रेडिको है, पेट्रोल में है और ओनर इसमें लिखा हुआ नहीं है भाई, हाँ ओनर सीरियल है, ठीक है, वन है ओरन फर्स्ट है। और चौथे नंबर पे गाड़ी है 2013 होंडा अमेज 1.5 XMT, ठीक है, डीजल में है, ओनर वन है, फर्स्ट ओनर है। पाँचवें नंबर पे है 2013 होंडा अमेज 1.5 XMT IT, सेम ही नहीं, अलग अलग है, ठीक है। ओके ये डीजल में है और ओनर जो है आपका, इसमें ओनर मेंशन नहीं है भाई इस वाली में, कोई बात नहीं, फर्स्ट ही होगा मेरे ख्याल से, वो क्या ही होगा। 2014 होंडा सिटी कॉर्पोरेट, अच्छा डीजल में है और फर्स्ट ओनर है। फिर है 2017 होंडा WRV है, ये डीजल में है और बड़ी प्यारी बच्ची गाड़ी है, बहुत बढ़िया एकदम, तो कंडीशन वाइज भी। सर शर्मा जी का, ओके वरुण शर्मा जी कह रहे हैं हाय सर आई एम फ्रॉम जम्मू। जी हेलो सर वरुण जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जम्मू में तो ठंड हो रही होगी इस टाइम, जब आ गए। जम्मू में ठंड होती है या कश्मीर में होती है? हैं दोनों में होती है, तो मैंने सुना था कहीं पे कि जम्मू में मतलब थोड़ा नॉर्मल मौसम रहता है, कश्मीर में ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ है क्या? कश्मीर ऊपर साइड है। हाँ ऊपर साइड होता है, सही बात है।
2000 चाहिए हो गया, और 2010 हुंडई एसेंट एग्जीक्यूटिव है, ये पेट्रोल सीएनजी में है और ओनर सेकंड है। फिर है 2008 हुंडई i10 1.1 एरा। और सनी अपने पास कोई ऑल्टो है, ऑल्टो 800 2018 19 के आसपास कोई ऐसी कोई गाड़ी अगर नज़र में हो तो बताना यार। ठीक है ओके। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 नंबर पे है 2008 हुंडई i10 1.1 एरा, पेट्रोल में है, CL1 है। और 10 नंबर पे है 2012 हुंडई i10 1.2 स्पोर्ट, पेट्रोल में है, सीरियल है, फर्स्ट। ठीक है 2012 i10 1.2 स्पोर्ट्स और सीरियल जो है ओनर जो है सेकंड है, पेट्रोल में है। दीपक जी नेगेटिव ऑप्शन होगा, दशहरा है उस दिन में। दशहरे पे ऑप्शन कर रहे हो क्या वेडनेसडे में सर? वेडनेसडे में ऑप्शन थर्सडे में, ओके थर्सडे में होगा सर, वेडनेसडे में नहीं होगा, थर्सडे में होगा। अच्छा हुआ आपने बता दिया भाई, ये पूछ लिया हमने, ठीक करा। थर्सडे में होगा भाई, वेडनेसडे में नहीं होगा, थर्सडे में होगा। तो वसीम भाई आप भी अगर आप हैं अभी लाइव में तो थर्सडे में होगा। और वानिया थैंक यू आपने ही पूछा। वरुण कह रहे हैं सर जम्मू के लिए RC ट्रांसफ़र हो जाएगी क्या? जम्मू के लिए हो जाएगी सर RC ट्रांसफ़र? ट्रांसफ़र में खुद ही कराना पड़ेगा, NOC निकाल के मतलब यहाँ से निकल सकती है। अच्छा चार्जेस उन्हें पे करना है। विशाल आप हैं लाइव में अभी, अगर हो सकता है तो बताओ जम्मू के लिए RC ट्रांसफ़र हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर, करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेंगे कंफर्म करके बता देंगे। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8368411350, इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप तो मैं कंफर्म कर दूंगा आपको। ठीक है अपना नाम लिख दीजिएगा उसमें आए बोल के। ओके 11 पे आते हैं, ये 11 का तो मैंने बता दिया ना। ठीक है 12 पे आते हैं 2008 सेंट्रो स्टैंडर्ड है, पेट्रोल में है और सेकंड सीरियल है, ओनर मतलब। नमस्कार MD राजा जी, बहुत दिनों बाद आप पता रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका, कैसे हैं? और बस कितना ही लेगा भाई। ठीक है 2014 पे है 2012 मारुति 800 ऑल्टो 800 पर, 2012 है ये। ठीक है पेट्रोल में है, सेकंड ओनर है, थैंक यू वरुण जी। 2011 मारुति ऑल्टो K10 VXI है, पेट्रोल में है, ओनर फर्स्ट है। 2013 मारुति ऑल्टो K10 LXI पेट्रोल में है, ओनर सेकंड है। फिर है 2015 मारुति ऑल्टो LXI है, पेट्रोल में है, ओनर फर्स्ट है। आप सुन रहे हैं ना ध्यान से आप लोग? सो उसके बाद आता है 2015 मारुति सियाज VDI प्लस डीजल में है, ओनर फर्स्ट है। दो हज़ार पंद्रह सियाज VDI प्लस ये डीजल में है और फर्स्ट ओनर है। हाय राहुल सिंह जी कैसे हैं सर? हाय रोरू राम राम जी कैसे हो? किसने बोले? मैंने कहा 2015 सियाज VDI डीजल सेकंड ओनर, 2010 मारुति एस्टिलो LXI पेट्रोल ओनर, 2007 मारुति स्विफ्ट VXI पेट्रोल सेकंड ओनर, 2008 मारुति स्विफ्ट LXI पेट्रोल CNG सेकंड ओनर, 2013 मारुति स्विफ्ट VDI डीजल सेकंड ओनर, ओनर फर्स्ट है इसका सॉरी। 2013 UP नंबर है, स्विफ्ट VDI है, डीजल में है और ये ओनर फर्स्ट है। ठीक है इसके बाद 2014 मारुति स्विफ्ट VDI है, डीजल में है, ओनर फर्स्ट है, दिल्ली नंबर है। 2008 मारुति वैगनार LXI पेट्रोल सेकेंड ओनर है। ठीक है ओके MD राजा कहते हैं डिजायर चाहिए सर, यूपी नंबर डिजायर अभी अवेलेबल नहीं है सर। अरबाज हाय अरबाज कैसे हैं आप सर? बाहर जाके दिखाइए कौन कौन सी गाड़ियां हैं। ठीक है अभी दिखाता हूँ भाई, एक बार ये गाड़ियां बता दूँ मैं आपको पूरा लिस्ट, उसके बाद बाहर भी चलते हैं। बाहर का क्या होता है, 2008 मारुति वैगनार पेट्रोल
ओनर फर्स्ट 2011 मारुति पेट्रोल, ओनर सीरियल 2 है 2011 मारुति वैगनार VXI दिल्ली नंबर पेट्रोल, और ओनर 2 2014 मारुति वैगनार VXI पेट्रोल, ओनर सीरियल फर्स्ट है, और 2015 मर्सिडीज सी क्लास टू C220 है, डीजल में है, ओनर फर्स्ट है। अगर किसी को चाहिए मर्सिडीज तो देख लीजिए 2015 है, ठीक है। 2016 रेनॉल्ट क्विड है RXT, UP नंबर है, UP 15, पेट्रोल CNG, ओनर फर्स्ट है, ठीक है। अगर यूपी नंबर की मांग रहा था कोई तो यूपी नंबर देख लेना आप भैया, रेनॉल्ट क्विड है यूपी नंबर, और पेट्रोल CNG है, ओनर CL फर्स्ट है। 2011 टाटा मांजा एलान सफारी है, सफारी है 90 PH, UP 14 है पेट्रोल में, ओनर सेकंड है, और उसके बाद 2009 टोयोटा कोरोला ऑल्टिस है 1.8 पेट्रोल में है, सेकंड ओनर है, बस कुछ गाड़ियां बची हैं। 2014 वोक्सवैगन पोलो 1.2 एल कम्फर्ट लाइन, ये डीजल में है, ओनर फर्स्ट है। 2010 मित्सुबिशी आउटलैंडर है, पेट्रोल है, ओनर थर्ड है, और 2014 निसान टेरानो है XLD प्लस है, HR नंबर है, डीजल में है, ओनर सेकंड है। उसके बाद 2017 फोर्ड इको टाइटेनियम है, डीजल है, ओनर CL2 है। 2014 महिंद्रा XUV 500 डीजल, ओनर सेकंड है। 2012 रेनॉल्ट डस्टर डीजल है, ओनर CL फर्स्ट है। ओके सनी टू कह रहे हैं सर टियागो DL एंड सिलेरियो विद CNG चाहिए सर, 7 बजे वीडियो देखना भैया, उसमें आई हुई है, ठीक है। उसके बाद आते हैं महिंद्रा XUV 500 W6 है, 2-व्हील ड्राइव है, दिल्ली नंबर है 2255, 2255 नंबर है उसका, और डीजल में है गाड़ी, सेकंड ओनर है। 2012 डीजल है और ओनर फर्स्ट है। 2018 टाटा एक्सा XE है, डीजल है, ओनर फर्स्ट है। तो ये आज की लिस्ट थी, चलिए बाहर चलते हैं, अभी आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं। 13 13, क्या बात है भाई साहब, 13 13। अब ये इसको ट्विस्ट कैसे करते हैं, कल आके ले सकते हैं TDI में? हाँ कल क्या है, सैटरडे, हाँ कल आ सकते हो भैया, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी मैं कैमरा टर्न कर रहा हूँ अब, ठीक है। सो ये देखो आप गाड़ियाँ, ये लो भाई यहाँ से ले लो, पहले एक्सा खड़ी हुई है, डस्टर है, थैंक यू भाई सने, आउटलैंडर है जो थर्ड ओनर है, ठीक है, और इधर टेरानो खड़ी हुई है, इको स्पोर्ट एम्बियंस खड़ी है डीजल में, और ये मित्सुबिशी है जो मैंने अभी बताई है लिस्ट में आपको, और ये XUV खड़ी हुई है, ठीक है भाई। और इसके बाद आपका इधर ये डिज़ायर खड़ी है, वरना खड़ी हुई है, सोल्ड हो चुकी है, ये भी सोल्ड हो चुकी है, और ये मर्सिडीज़ जो मैंने अभी बताई थी HR 51। वॉट आर द ऑप्शंस इन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, उमेश शर्मा जी? ऑटोमेटिक में नो आइडिया सर, अभी कुछ आइडिया नहीं ऑटोमेटिक का, अभी तो मैनुअली है शायद सारी मेरे ख्याल से, बाकी ऑक्शन शुरू होगा तब पता चलेगा सर कि ऑटोमेटिक में कौन कौन सी है। चलिए वेलकम है जी आपका, आइए मान्य आप, और UP 37H 4041, ये अपना, ये कौन सी गाड़ी है यार, बता गाड़ी जरा लिख के बताना कौन सी गाड़ी है, ये लोग तो जानते होंगे इसके बारे में, बताओ भाई कौन सी गाड़ी है। वैसे सोल्ड है ये, छोड़ो कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी सोल्ड है, ठीक है। ये वैगनार खड़ी है 3 3 यहाँ पे, ठीक है, 3 वैगनार आप देख सकते हैं। दीपांकर जी कह रहे हैं हाय सर, हाय दीपांकर जी, कैसे हैं दीपक जी? अ लिटिल ओवरव्यू से दिखा भी देना 2015 मॉडल वाली, 2015 मॉडल वाली, क्या नंबर बताया था मैंने उसका, यही है क्या, ये 2015 यही है ना? कुश कुश कमल 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 बताओ यार, इनकी गाड़ी के लिए मेहनत कर रहे हैं, ये उंगली दिखा रहे हैं, कहला भाई अभी रुक जाओ, हद है भाई इन लोगों की तो यार, कमाल है, इसमें लिखा तो होगा यार RCP, नहीं कहीं को पूछ रहा हूँ मैं।
छोड़ो। नहीं ये तो 2012 है यार, 2015 वाली कहाँ है। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। ये कौन सा मॉडल है? ये 15 वाली है। अच्छा ये केट है ना क्या? ये ओल्टो है ना खाली? ये तो ये 2015 ओल्टो है ये। हाँ प्रमोद जी, हेलो प्रमोद जी, कैसे हैं आप? चिकन आइडिया चैनल सर, यानी सेंट्रो? हाँ सेंट्रो है ना भैया, 2015 ओल्टो ये है, 2015 वाली। हाँ एक आरसी चेक कर लेते हैं फिर से एक बार, ठीक है? हाँ यही है, 2015 फर्स्ट ओनर है, ठीक है जी। तो वाइपर थोड़े से जंगवंग खाए हैं, वो चेंज करा लेना आपको, बात नहीं बारिश बुरिश में। टायर सही हैं इसके, टायरों में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी कवर ओवर तो चेंज कराने ही पड़ेंगे जब लोगे आप। ठीक है जी, देख लो, ठीक है गाड़ी तो वैसे साफ सुथरी है, छत वत भी देख लो, छत भी साफ पड़ी हुई है, ठीक है। और बैक में देख लो भैया, ठीक है टायर चारों ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पे है स्क्रैच वगैरह है ये, तो वो तो कोई बात नहीं, ये तो चलता है इतना तो थोड़ा बहुत तो। और बाकी ये थोड़ा सा डोर है इसका, डोर गला हुआ है ये, ठीक है यहाँ पे लगी हुई है, थोड़ा बहुत है ये तो, सब डेंटर पेंटर कर देते हैं सेट। वैसे ये चेक करिए आपने, गाड़ी कैसी है इंजन वाइज, ये मैकेनिकल वाइज कैसी है, चेक कर लिया आपने? ठीक लग रही है, सही है ना गाड़ी? चलिए बढ़िया फिर, ठीक है, ठीक है भाई। सही है गाड़ी तो, बाकी और इधर खड़ी हुई हैं छोटी गाड़ियाँ यार, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। और ये है यहाँ पे ओल्टो वगैरह, ये कैसी है यार, सही कंडीशन लग रही है गाड़ी की। सुशील लेदर, हाय सुशील जी, कैसे हैं आप सर? गोल्ड माइन साउथ मूवी, अरे वाह, 2017-18 स्विफ्ट है क्या सर? 17-18 स्विफ्ट वैसे मिल जाएगी सर, अभी ऑक्शन में तो नहीं होगी, पर वैसे दिलवा देंगे, आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा हमें। सुमित कह रहे हैं नमस्ते मैम, नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन, सर सुशील जी आप प्लीज़ व्हाट्सअप कर दीजिए तो मैं अरेंज कर दूँगा। टायर कितने लगे हुए ओल्टो में भाई साहब? कौन सा मॉडल है ये, कौन सा मॉडल है ओल्टो का? ये ओल्टो किटन है भाई साहब, और ये ओल्टो किटन, बड़ी साफ सुथरी गाड़ी लग रही है मुझे, बम्पर वम्पर पेंट है इसके, बट गाड़ी बहुत सही लग रही है यार ये, क्या बात है भाई साहब। ये देखो भैया गाड़ी एकदम टकाटक है, ठीक है तो आप जा सकते हैं इस गाड़ी के लिए। अब ये देखना है इसका, इसका रजिस्ट्रेशन क्या है भैया? कमल, कमल इसमें तो आरसी भी लगा रखी है उन्होंने, इसका देखना सर, इसका क्या नाम है, ये वाली क्या रोल है? 2013 है ओनर, सेकंड ओनर है, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है यार, देखने में सही सही लग रही है ना, हमने चेक करी सर, ये सही है ना गाड़ी? हाँ वैसे भी टायर वायर भी बड़े काफ़ी अच्छे लगाए हैं बाहर से बंदे ने, सॉलिड, ये इसके ओल्टो के मेन टायर नहीं है, अलग है टायर, है ना, सोखिया बता जिसने भी लगाई हुई है, सॉलिड बनाई हुई है गाड़ी में, सेकेंड ओनर पड़े हो पर गाड़ी ज़बरदस्त है, क्या बात है भाई साहब। तुम क्या, ये आदमी है भाई देख लो, कमल है इसका नाम, लाइव पे हो तुम इस टाइम, और मैं इसको कब से बुला रहा हूँ, ये लड़का आ नहीं रहा है और हमें गोली दिए जा रहा है, ठीक है। मैं ये पूछा था ये कैसी है गाड़ी चलने में? गाड़ी बहुत अच्छी है चलने में, सही है। ओनर सेकंड ओनर, ओनर ओनर अभी सेकंड ईयर लगवा दो भाई, ये अभी आई क्या गाड़ी? नहीं आई हुई, अभी आरसी निकाल दे, प्रिंट आउट निकाल दे, अच्छा आ जाएगी, हाँ सेकंड ओनर है ना, सही है यार, सही लग रही है गाड़ी तो भाई देखने में।
ये देख लो भाई 2013 है, ये 13 है ना सर, है ना 2013 है भाई। अगर ये किसी को पसंद आती है तो ले जाओ भैया, ऑल्टो बढ़िया गाड़ी लग रही है मुझे ये, ठीक है। ये मुझे 2015 से भी अच्छी लग रही है देखने में, सही बताओ तो मैं। हाँ कंडीशन बहुत अच्छी है इसकी। चलिए सेंट्रो, ये रही भैया को सेंट्रो पूछ रहा था, और एक कौन से आई है, नहीं आई है, अच्छा कहाँ पे वो, अच्छा और एक सेंट्रो और थी ना सिल्वर कलर वाली सेंट्रो, ये इसकी बताओ इसकी क्या कहानी है एक बार। 2009 एस्टा टॉप मॉडल ब्लैक कलर में भाई साहब, सेकंड ओनर सीएनजी ऑन पेपर, क्या पैसे, पैसे कहाँ से बताएंगे यार, ये ऑप्शन की गाड़ी है, वो मेरे को आदत पड़ गई ना डीलर के पास जा जा कर, ठीक है। गाड़ी तो बढ़िया लग रही है भाई, 2009 है बट वही है, देख लो आपको अगर चलती है 2009 तो। व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए सुशील जी, 8368411350। वैसे किसी भी वीडियो में चले जाइए आप, जो वैसी वीडियो हमारी ऑक्शन वाली है वैसी, उसमें मेरा नंबर दिया गया होगा। बबलू जी कह रहे हैं भाई डीएल नंबर को पंजाब में ट्रांसफ़र कराने में क्या खर्चा आता है। भैया ये तो आरटीओ से पता चलेगा क्या खर्चा आता है, एनओसी वगैरह मिल जाती है यहाँ से। बाकी अभी एक नंबर जारी करेंगे जल्दी हम, जिस पे आप पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की ले सकेंगे, क्या खर्चा आएगा कैसे आएगा, ठीक है। अभी बात चल रही है तो जैसे वो हमें नंबर प्रोवाइड करते हैं तो वो नंबर जनहित में जारी कर दिया जाएगा, और आप उस पर अपना जो भी गाड़ी लेंगे उसकी गाड़ी की डिटेल आप पूछ सकते हैं। और ये भी बता दूं कि गाड़ी की डिटेल सिर्फ उसी की बताई जाएगी जो गाड़ी आपने खरीदी है, क्योंकि वो तभी पता चल पाता है, ऐसे पता नहीं चल पाएगा भैया, कोई भी नहीं बता पाएगा बिना गाड़ी के, बिना गाड़ी की डिटेल जाने की कौन सी गाड़ी है, कहाँ पर ट्रांसफ़र होनी है, तो वो सारा खर्चा। एनओसी का बता सकता हूँ, एनओसी का 3-3.5-4 हज़ार रुपये आता है। अंकित रोजा, हाय अंकित जी कैसे हैं भाई, होंडा सिटी हो तो बताओ, होंडा सिटी हाँ थी तो यार एक होंडा सिटी, होंडा सिटी कहाँ पे है कमल, कमल होंडा सिटी, होंडा सिटी थी ना एक, अभी इस लिस्ट में है ना होंडा सिटी, अरे ये तो मैं, ये रही होंडा सिटी, ये रही भैया होंडा सिटी, ठीक है देख लो गाड़ी ठीक है साफ सुथरी है, बस थोड़ी सफाई सफुई आपको करवानी है इसकी गाड़ी की। अरे इंटीरियर देखो भाई साहब, बाकी सब भाड़ में जाए, इंटीरियर देखो आप इसका गाड़ी का, क्या बात है, क्या सॉलिड इंटीरियर है भाई साहब, लेनी है तो आ जाओ भैया, डिटेल बता देता हूँ इसकी क्या है, ठीक है। ये 2014 है, ये रही आरसी आपके सामने, ठीक है 2014 है, और क्या है यार धुंधा सा हो रहा है, 1.5 है डीजल में है 2014, ठीक है होंडा सिटी 1.5 MT मैनुअल ट्रांसमिशन, और डीजल में गाड़ी है 2014, मतलब बाहर ले जा सकते हो एनओसी कटवा के, और बढ़िया 5 साल बढ़ाओ फिटनेस इसकी, और गाड़ी ज़बरदस्त है, टायर टप पे भी पड़े हैं, बस धूली नहीं है, बस यही है बाकी कुछ नहीं। बाकी देखो सीटिंग बहुत ज़बरदस्त सीटिंग वीटिंग बनाई हुई है भाई साहब लोगों ने, ये गाड़ी मिस मत करो भाई, अगर किसी को होंडा सिटी चाहिए तो, पड़े डीजल में है लेकिन भैया गाड़ी सॉलिड है, ठीक है अंदर बाहर सब जगह से दिखा दी आज तो पूरा ब्लॉगर बना दिया आपने मुझे लाइव पे भी। ओके सर कुछ कार के दाम तो ठीक हैं बट कुछ के दाम तो मार्केट से बहुत ऊपर हो, जो ऊपर है ना सर गोल्ड माइन जी उनको छोड़ दो, जो दामों में आपके पड़ रही है गाड़ी जो आपको अच्छी लग रही है, हाँ भाई मेरे दामों में है, उस पर फोकस करो, है ना सर, जो हमें अच्छा लगता है ना हमें उस पर फोकस करना चाहिए, बेकार पे क्यों फोकस करना है। राजवीर कह रहे हैं सर ऑक्शन कब होती है कैसे पता चलेगा, वेडनेसडे को होती है सर, पर इस बार दशहरा पड़ रहा है वेडनेसडे का तो थर्सडे में होगी। दीपक भाई मीटर जरूर दिखाना कितनी चली है गाड़ी, सर जब आप आओगे तो गाड़ी का मीटर वीटर सब चेक करना, पूरे 3-4 घंटे मिलेंगे पूरी गाड़ी चेक करने के लिए आपको, तो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। मीटर तो मैं दिखाया था यार पिछली आप ऑक्शन में जा, वो ऑक्शन की वीडियो देखो ना, सारी गाड़ी का मीटर दिखाया यार अंदर से, ऐसे मत करो यार, आप पहला पार्ट दिखाई नहीं, यानी कि आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट देखते तो आप बोलते ही नहीं ये चीज़ के मीटर नहीं दिखाया, जो कल आया था फर्स्ट पार्ट वो आपने देखा नहीं, मतलब इसका मतलब ये है, देखा पकड़ लिया ना हमने, अगर आप फर्स्ट पार्ट देखते
तो आप कहते हैं आपने मीटर दिखाया है, जाओ फर्स्ट पार्ट देखो और फिर बताओ मुझे कि हमने मीटर दिखाया है या नहीं दिखाया है उसमें। ठीक है भाई, गुड आफ्टरनून आशीष प्रजापति जी दीवा। अच्छा ठीक है, अंकित कह रहे हैं थैंक्स सर। थैंक यू अंकित भाई। सनी टू सर वैगनार दिखा दो वी एक्स आईडियल नंबर में। यार अब मैं अंदर आ गया हूँ भाई, अब वो उसमें देख लेना क्या नाम है, गर्मी बहुत हो रही है भाई बाहर। भाई मैंने दिखाया है, आप जाके वीडियो तो देखो, दिखाया है मीटर। आपने कल की वीडियो देखी ही नहीं है, सीजन 16 एपिसोड 1। आप देखते तो आप बोलते ही नहीं। द नेचुरल एनिमल की बात कर रहा हूँ। राजवीर जी 1982 शुक्रिया सर। टाइमिंग क्या है ऑक्शन की? सर सुबह 10 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं और 12 एक बजे के आसपास ऑक्शन शुरू हो जाता है सर, बिडिंग शुरू हो जाती है। तो आप पधारें सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेक्स्ट ऑक्शन जो होगा वो थर्सडे में होगा। सुकराज सिंह जी थर्सडे में इसलिए होगा क्योंकि वेडनेसडे को क्या है, दशहरा है। ठीक है भाई। सर सियाज 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 तो दो तीन खड़ी हैं, हैं ब्लू वाली और वैसी वैसी है ना। हाँ सियाज तो दो तीन खड़ी है भैया, तो वो ऑक्शन में है वैसे, जो मैंने वो बनाई है क्या नाम है, वीडियो बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं जाके। कल आ जाएगी एक वीडियो सेकंड पार्ट, तो उसमें देख लीजिएगा। हाय हाउ आर यू इन पर ट्रैफिक फाइन आरिफ। हाय हाउ आर यू इन पर ट्रैफिक फाइन। हाँ ट्रैफिक फाइन होता है भैया, आपको पे करना होता है कितना भी हो चाहे। ये कैसे पता चलता है कितना चलान है गाड़ी पे, क्या है, कैसे पता करेंगे बंदा लेने से पहले? उसके लिखा होता ना, और जो उसके अलग भी हो अपने सारा लिख लेते हैं आप चेक करके। हाँ कितना हुआ मेंशन होता है। हाँ बट नहीं समझा, नहीं फिर से बताओ। कुछ गाड़ी में चलान ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर में दिक्कत करते हैं। हाँ वो कैसे पता? चलान उसमें मेंशन होते हैं। अच्छा वो चलान मेंशन होते हैं, वो आप पे करते हैं, वो पे करते हैं, बायर पे करेगा। ठीक है भैया। सो जो लिस्ट आपको दी जाती है उसमें चलान मेंशन होते हैं जो ट्रांसफर में दिक्कत करते हैं, तो वो चलान आपको पे करने होते हैं। भाई जी 2008 मॉडल अकोड पेट्रोल ऑटोमेटिक का क्या रेट होना चाहिए? सर रेट का कोई आइडिया नहीं है अकोड का। अकोड नाम सुनते तो मेरा बहुत कुछ याद आ जाता है, पुराना लोग देखा हुआ था। सो अकोड में 2008 कितने की होनी चाहिए अकोड को, इसको आइडिया है किसी को? 2008 अकोड कितने की होनी चाहिए? अकोड 2008 कुछ आइडिया, अप्रोक्स एक आइडिया कुछ प्राइस का, जैसे 2 से 4 के बीच में, 4 से 3 के बीच में, ऐसा कुछ आ रहा है। नंबर कहाँ कहाँ भैया, नंबर बताओ। पेट्रोल में है 2008 अकोड 16-17। ओके थैंक्स। हाँ बाबू जी कह रहे हैं भाई ऑल्टो जैसे लेनी है और उसको जरा अंदर में ट्रांसफर कराना है, उसको खर्चा भाई को उसके बाद। सर जो गाड़ी आप लोगे बबलू जी, वो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, उस पर मैं सारा बतवा दूंगा आपको क्या रहेगा। अभी एकदम ऐसे बताना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सो जो भी रहेगा खर्चा वो मैं आपको नंबर दूंगा एक, उस पर कॉल करके आप कंफर्म कर सकते हैं। पर उनको भी गाड़ी की डिटेल बतानी पड़ेगी आपको, जो गाड़ी आपने खरीदी है और कहाँ पे आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तभी वो खर्चा बता पाएंगे। ठीक है, शिवांग भूटानी जी दिल्ली नंबर। ओके आरिफ तक कह रहे हैं, आरिफ टैक राजस्थान नंबर की गाड़ी मिल सकती है क्या? नहीं आरिफ अभी नहीं है राजस्थान नंबर की गाड़ी, कोई आएगी तो बता देंगे भाई। ठीक है ना, सो ओके लाइक करते रहे, वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो यार, ये गलत बात है भाई। आप वीडियो लाइक नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई, वीडियो लाइक करो भाई, लाइक करनी तो अच्छी बात है ना, लाइक करनी चाहिए वीडियो। नहीं वीडियो लाइक करो भाई, लाइक करो। सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलई भयास, राज धर्म तन तीन कर हो है बेगही नास। सर एनओसी ब्लू जैक फ्री दे? नहीं सर पैसे लगते हैं, फ्री कुछ नहीं मिलता सर यहाँ पे सिवाय इन वीडियोस के, ये सब फ्री हैं, हमारा लाइव फ्री है। ठीक है, बाकी और कुछ फ्री नहीं मिलेगा यहाँ, सबका पैसा देना पड़ेगा। ट्रांसफ़र कराओगे उसका भी देना पड़ेगा, एनओसी का देना पड़ेगा, गाड़ी लोगे उसका भी देना पड़ेगा सर, कुछ फ्री नहीं है सिवाय गोकासुरी की वीडियो के।
ओके अरवाज के, अच्छा ठीक है। सोनू जी नमस्कार सर जी, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सनी टू सर, बिडिंग वाली वीडियो आप 7 बजे डालोगे? हाँ जी, आज जो है, आज जो वीडियो आ रही है वो आ रही है कार अब की 7 बजे। कल जो वीडियो आएगी वो बिडिंग वाली वीडियो आएगी, सेकंड पार्ट ऑक्शन का, ठीक है सर? साइन मार रही है यार, हैं चिकना हो गया, मतलब जवानी फूट रही है, सही है। ओके और बताओ भाई, क्या बात है अरवाज भाई, इतना सारा हंस दिया आप तो पेट ना दुखने लग जाए कहीं। सही है यार, हंसी गुल्ला होना चाहिए। आज मैं थोड़ा सा लो साउंड कर रहा हूँ, 3-1 घंटे सोया हूँ भाई। आज फिर शेविंग कर रहे क्या? हाँ आज फिर शेविंग कर रहा है। अरे वो कांटे कांटे से उग गए थे यार, छोटे छोटे से। मैं कल हटा देता हूँ यार, ऑक्शन में जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता यार ऐसे। इतने सारे लोग आते हैं देखते हैं यार, तो और फिर वो इचिंग इचिंग सी होने लग जाती है यार, अगर नहीं करो तो। आदत नहीं है ना, पहले तो मैं झुंड रखता था पूरा। अगर पहली वीडियो देखोगे मेरी, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी होती थी मेरी, और मैं बहुत वीडियो देखता हूँ ना अपनी पुरानी कभी कभार, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है खुद से। मैंने कहा ये क्या मैं पाल के रखता था यार झुंड इतना बड़ा। और उस टाइम पे जो था, उस टाइम में बहुत प्यार था मेरे को मेरी दाढ़ी से भाई। कुछ बोल देना कोई तो गुस्सा आ जाता था मेरे को बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बोल कैसे दिया मेरी शेविंग के, शेव के बारे में। पर अब ठीक है, अब आदत, इसकी आदत पड़ गई, अब ये अच्छा लगने लग गया है। सर फ्रॉम जम्मू, एनी थार ब्लो 4 लाख प्लीज सजेस्ट। एवरेज एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ईयर। यार तुम लोग ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेते हो ना, कसम से कहाँ से लाऊं मैं लोग सवालों का जवाब। भैया आपको देखो, सीधी सी बात है प्रदीप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको थार चाहिए तो यू हैव टू कम हियर इन द ऑक्शन, और हमारी वीडियोस देख लीजिए भैया। उसमें अगर कोई थार आई होगी और उस पर बिड लगी होगी, अगर उसकी बिडिंग शुरू हुई होगी, मतलब कि कितने से शुरू हुई है, अगर ऑफर लिया होगा तो कोई बात नहीं, पर बिडिंग अगर कितने से शुरू हुई है तो वो आप पता कर ले। अगर उस ऑक्शन में नहीं बिकी होगी तो नेक्स्ट ऑक्शन में आके आप ले जाइए, आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसे में बताऊँ कुछ आप समझोगे कुछ और, फिर कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं प्राइस बताने से अवॉइड करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अजम्पशंस आदमी कर लेता है कि भाई दीपक ने इतने बताए हैं प्राइस तो इतना ही है। मैं बताता हूँ अप्रोक्स प्राइस, पर सामने वाला उसको सच समझ लेता तो वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है, ये रहता है। और मैं कॉस्टिंग का, एवरेज का, एवरेज तो एवरेज जब थार लोगे तो एवरेज थोड़ी देखता कोई यार, थार के मामले में एवरेज देखा जाता है ओल्टो का, वैगनार का। थार का कौन एवरेज देखता है भाई, वही 13-14-15 का एवरेज देती है बस, और क्या चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट चलाने के ऊपर डिपेंड है भैया, आपकी अच्छी खासी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, ठीक है? और मेंटेन करके रखोगे तो वो भी घट जाएगी, सिंपल सा है सर। प्रदीप जी CVM चौधरी कह रहे हैं, भाई जी राम राम, राम राम भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके रिजर्व प्राइस इतने ज़्यादा होते हैं कि डीलर भी गाड़ियां खरीदने से कतराते हैं, महंगी होती हैं इस नीलामी में गाड़ियां। चंडीगढ़ में गाड़ियां इसके मुकाबले बहुत सस्ती। नहीं सर, गलत कह रहे हो आप, चंडीगढ़ में तो भी महंगी है कार बाज़ार, मैंने देखा भैया वहाँ का, बहुत महंगी गाड़ियाँ होती है, बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है? अगर कार बाज़ार वहाँ का अच्छा होता तो लोग यहाँ नहीं आते। कोई इक्का दुक्का गाड़ी हो सकती है, मिल गई हो सस्ती, उसको देख के आप कह रहे हो सस्ती, बट भाई साहब प्राइस मैच ही नहीं करते कहीं भी। मैंने बहुत वीडियो देखी है वहाँ की, बहुत लोगों से बात हुई है मेरी वहाँ कार बाज़ार में। अगर वहाँ चंडीगढ़ में कार बाज़ार की गाड़ियाँ सस्ती होती, प्राइस में होती, तो भैया लोग पंजाब से यहाँ नहीं आते, चंडीगढ़ ही जाते सब, इतना बड़ा कार बाज़ार है वो वहाँ पर। और जो वहाँ कार बाज़ार में गाड़ियाँ लगाते हैं वो भी दिल्ली से लेके जाते हैं मोस्टली, कुछ कंपनियों से खरीदते हैं, कुछ यहाँ से ले जाते हैं। अजहरुद्दीन कह रहे हैं सर गुड आफ्टरनून सर, अजहरुद्दीन जी कैसे हैं आप सर? कभी कभी सच बुलवा दे तो यार आप लोग मेरे मुँह से, मत करवाया करो ऐसा, कभी को थोड़ा बहुत तो रहने भी दिया करो। CVM चौधरी साहब, अब कल को शूट करने जाना पड़ा वहाँ, तो बोलेंगे भैया तुम तो बोल लेते महंगी मिलती है, कहाँ को शूट करने आए हो, समझ रहे हो? ऐसा मत क्या करो यार, मेरी वीडियो चली जाएंगी।
देखो प्राइस का क्या होता है मेरे भाई, मैं बताता हूँ तुम जोक्स अपार्ट, प्राइस जो होते हैं ना, अगर देखो कहीं किसी भी ऑप्शन में जाओ या किसी भी कार मेले में जाओ, किसी भी बाजार में जाओ, 100+ गाड़ियाँ होती हैं, मतलब 70 से लेके 100-150 तक गाड़ी होती है, बहुत ध्यान से। तो उसमें आपको लेनी है एक गाड़ी, ठीक है, तो उस एक गाड़ी को लेने के लिए आपको 100 गाड़ी देखना पड़ेगी, और उन 100 में जब आप देखना शुरू करोगे तो कुछ गाड़ियाँ शुरू में आपके सामने तेज प्राइस की आएंगे, कुछ एक दो लो प्राइस की आएगी, फिर तेज प्राइस की आएगी, तो ऐसे 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 चलेगा, ठीक है। तो आप वो कन्फ्यूज़ जाओगे यार, ये तो बहुत महंगी गाड़ी है, पर जो गाड़ी आप लेने आए हो, जो आप दिमाग में खाका बैठा के आए थे जिस गाड़ी का, भैया मुझे ये स्पेसिफिकेशंस वाली गाड़ी चाहिए और इतने बजट में चाहिए, तो वो आप मिस कर जाओगे। सो सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो 100 गाड़ियाँ हैं, या तो किसी जो उनका वहाँ पर कोई बंदा हो उससे पूछ लो कि भैया मुझे ये हिसाब की गाड़ी चाहिए, अब वो भी डायलॉग मारेगा कि भैया लिस्ट में देख लो, तो वो लिस्ट में आप सिर्फ प्राइस ना देख करके गाड़ी की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग गाड़ी सर्च करो, ठीक है। एक एक गाड़ी पे जाओगे ना तो आप परेशान हो जाओगे, और वो ये कि आगे चलते जाओगे पिछला फूल छोड़ते जाओगे, और वो आगे जाके कुछ नहीं मिला, वो जो सोच के आए हो वो भी नहीं मिलेगा, है ना, वही होता ना। एक बार एक बंदा लगाया, किसी ने बोला कि भाई जाओ फूल चुन के लाओ, तो गया फूल चुनने भाई, अब फूल चुनते चुनते पहला फूल मिला, नहीं यार हो सकता आगे मिल जाए, हो सकता आगे, ऐसे चलता चला गया, लास्ट में गार्डन ही ख़त्म हो गया और फूल ही नहीं मिला उसे, वो बाकी तो पीछे छोड़ के गया था, वो भी लोग उठा के ले गए। तो वैसा ही होता है, तो जो गाड़ी आप लेने जा रहे हो सिर्फ उसी पे फोकस करो, और वही गाड़ी लेनी है तो बस उसी को ठान लो, बाकी पे ध्यान ही मत दो गाड़ियों का, ठीक है ना। अगर वैसा मिलता है तो वेल एंड गुड, और आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, मिलता ही, ऐसा कुछ नहीं है। दीपांकर जी कह रहे हैं, हाय सर, हाय दीपांकर जी, क्रेटा 2020 ब्लैक सोल्ड हो गई क्या? अरे क्रेटा 2020 बिक गई क्या अपनी? सोल्ड हो गई ना, ठीक, हाँ ब्लैक वाली बिक गई सर। आरिफ तक कह रहे हैं, मैं आपकी काफ़ी वीडियो देखी है, मैं राजस्थान नंबर का वेट कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आई की। सर वही है कि देखो ये अच्छी बात है, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप वीडियो देखते हैं, आप हमें पसंद करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, आभार आपका। और सर राजस्थान नंबर की जैसे आएगी वो मैं क्या ही बताऊं सर, आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें एक दिन पहले लिस्ट आ जाती है, तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ भाई, तो उसमें पता चल जाता है राशन नंबर है या नहीं है, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर देना आप मेरे नंबर पे, मैं देखता हूँ अगर कार ले लो उस पर मिल जाए, जो अपना मोती नगर में है, जो बनाते हैं, जिनकी वीडियो हम बनाते हैं, तो अगर उनके पास मिली तो, उनके पास थी पिछली बार एक इनोवा थी राज्य नंबर की, वो हाथ के हाथ बिक गए, जैसे वीडियो डाली वो हाथ के हाथ निकल गई थी गाड़ी, तो ऐसा कुछ आया होगा उनके पास, तो डेफिनेटली आप लोगों को बता देंगे सर, अरेंज कर देंगे कोई, कुछ भी ऐसा होता है ना तो व्हाट्सएप पे हाय बोला करो, एक फॉर्म आता है फॉर्म भर दिया करो, और वहाँ व्हाट्सएप पे भी लिख दिया करो भैया ये गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो आज नहीं तो कल आपको कॉल करके आपकी गाड़ी अरेंज करके आपको कॉल बैक आ ही जाएगी, ठीक है जी। और बताओ आप लोग, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव संडे में, और जल्दी ऐसा होने वाला है कुछ के सोच रहा हूँ कुछ करने की, कि डेली लाइव आए हम लोग, ट्रैवलिंग माई इंडिया। हेलो सर, मेरे को बोलेरो लेनी है तो बताओ सर। बोलेरो सर है ही नहीं अपने पास अभी, बोलेरो आएगी तो सर बता पाएंगे, अभी बोलेरो अवेलेबल नहीं है अपने पास सर, कोई भी किसी के पास होगी तो ज़रूर बोलेरो आपके लिए अरेंज करेंगे सर साहब जी। श्री राम फाइनेंस वाले मोटरसाइकिल, हाँ उनकी नरेला में होती है, मानेसर में होती है, गुड़गांव मानेसर में कमर्शियल्स की होती है, वो भी होती है उनकी, करते हैं वो लोग। चलिए गाइस इट्स टाइम टू, चलिए सर इट्स टाइम टू से बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लाइव में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।